बर्तन वो लेके आए। तो यहाँ पे बात हो रही है ट्रेन की और खाने आने की बात हो रही, समझ नहीं आ रहा कल के जागरण। अरे जागरण वाले जो है, जो टेंट हाउस वाले, टेंट हाउस वाले भी टेंट का सारा सामान वो लेके आएंगे, लगाएंगे, वो उखाड़ के भी वो अपने आप ले जाएंगे। और जो ये खाने पीने की दावत वगैरह है वही खुद आएंगे, खाना खिलाएंगे, बर्तन भी धोएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हमें पैसे भी नहीं देने, हमें ऑनलाइन करना है। उसमें गिनने में टाइम लगता है ना, ऑनलाइन कर दो। हाँ थोड़ा बात कर लो आपसे, क्योंकि उसे पैसे कम कर दे। जनवरी से दिसंबर तक याद कर लो। मतलब एक दिन खाने के 30,000 रुपए ले रहे हैं, 35,000 रुपए कैसे ले रहे हैं खाने के? बताओ, बहुत ज्यादा नहीं है? और फिर 50 लोगों खाना, वो ज्यादा खाना भी होगा जाग वाले। क्यों, जब बाहर ही है तो बाहर ही जाएंगे ना खाने। हम तो कह रहे हैं बहुत स्टेशन बंद कर दो, उनसे जाके भैया पत्तल मिल, हम पत्तल से लेके आएंगे। पत्तल भी वही लेके आएंगे, नीचे कहाँ बैठ खा लाओगे आप? वो तो साफ हो तो रही है, प्लॉट साफ हो तो रहा, जहाँ जागरण होगा हाँ हो तो रहा है, बाहर हो रहा है। अभी आए नहीं लेबर? आप पहले बात तो कर लो उनसे एक बार। सामान तो सारा वही लगेगा, खाने में जो बर्तन आएंगे वो तो वही लगेंगे, सेम टू सेम। बस बफर का क्या होगा, एक टेबल एक्स्ट्रा लग जाएगी। उसमें क्या होगा, वो अपना सारा सारा बना के वहाँ रख देंगे नीचे। अब वो तुम्हारी मर्जी, जाओ ऊपर खाओ जाओ, नीचे कहीं कहीं खाओ। बड़ा वाला जो डाला ये प्लॉट उधर, वो वाला बड़ा वाला डाला जो प्लॉट, वो वाला कौन सी घास हट रही है? अब इनने क्या किया, कुछ तो किया नहीं, ईटे हटाई बस। ईटे और ये घास कितनी थी पूरी झाड़ी, बहुत लग रही थी। देखो कहाँ, यहाँ कुछ नहीं किया, नहीं ये सारी बोतलें समेटी है उन्होंने। अच्छा हाँ, वो कबाड़ी वाले को बेचेंगे ना वो। और सुनो ना, उनसे कहते ये भी हटा थोड़ी बहुत, क्यों साफ अपना निकले हाँ? ना कितने रुपए ले रहे? 1,000 रुपए। एक लो, हाँ झूठ बोल रहे हो, एक लो, दो लो, 2,000 रुपए। हाँ 500 रुपए, 450 हुआ था, 450 की होती है। अरे डेली का 450 रुपए होते हैं। अरे 500 मांगे मैंने दे दिए, जागरण का काम यार। पति देव मुझे 1,00,000 रुपए। सरकार ने इतनी लाइटें लगा रखी हैं, अंधेरे में वीडियो बना रही। गलत बात है, बिजली का ज्यादा वो ना करो, बिजली पानी से बनती है, पानी बहुत कम और बिजली। तेरा बर्थडे 24 तारीख को, 24 को कोई नहीं मारेगा, लेकिन उससे पहले तेरे को सूद दिया जाएगा। ऐसा हो जाए, नहीं ली है अभी पूरी नींद नहीं हो इसकी। आप सुनो ना, आप उससे बात कर लो ना एक बार, हाँ वरना फिर ये आंटी का फाइनल हो जाओ, फिर आप बात भी ना करो। देखो 3,000 तो खाने ले रही है, और कम से कम टेंट वाले का सामान आ जाएगा 5,000 का, 8,000 होगा, 10,000 का मेरे को राशन लेके आना पड़ेगा, 15,000 और फिर बर्तन भिजवाने भी पड़ेंगे हैं, और 15,000 18,000 होगी ना, 18,000 उसके बाद पतले अतले अलग से टेंशन, सामान देने जाओ उनको, पानी देने, नमक देने जाओ, ये देने जाओ, वो देने जाओ, सब वो करेंगे। पंखा लगाओ, फिर लगाओ, पंखे थोड़ा कम करेंगे, पंखे सब लाने पड़ेंगे। बात तो करनी नहीं है, बात तो करो। उन्होंने 35 मांगे थे, 30 मैं बोलूंगा, क्या फिर आपका ही कैटरिंग का नंबर भी डाल देंगे हम। हाँ और क्या,
देख लो बात करो, आप फोन तो करो उनको, मतलब फिर आंटी का फाइनल ना हो उनका बीच फिर बाद में हम लोगों को बनाना पड़े। मेरे से उम्मीद मत करियो। बना लो क्या स्वाती, एक का दीदी बना सकती, तुम तो नहीं बना सकती। मैं तैयार नहीं होगी। ऐसा करो क्या, ऐसा करो खाना आप बना लेना। कितने लोगों का खाना बनाया था हमने इसके बर्थडे में? क्या 25-30 लोगों का बनाया था खाना? एक पूरे मोहल्ले का, पूरे मोहल्ले का बनाया था। 50 होंगे, 50 होंगे सब। तुम तो ऐसा करो आप खाना बना लेना, आप ठेका ले लो। हाँ सही है, जो ठेका मैं वहाँ दे रहा हूँ आप थोड़ा सस्ते में दे देना। 20,000 है, 20,000 में सामान भी आप लेके आओ, उसमें आपका फायदा है ना। पहला ठेका मेरे से दो। मेरा तालिया श्रीवास्तव हलवाई वाले। ये काम बहुत अच्छा है दीदी। हम बना देंगे दीदी, ये काम बहुत अच्छा है। जो लोग हलवाई, सुनो गाइस, जो अब ये दीदी देखो अपना बिजनेस खोलना चाह रही है, अब कैमरे में घुस जा, तो जो कैटरिंग वाला पैसे लेगा 30-35,000, दीदी 20,000 में कर देनी और अकेले। अरे क्यों जाएगा, रात को होगा खाना, पहले बना के रख दो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। हमें तो गर्म पूरी चाहिए। तू जीजी सुन दो, अरे मम्मी मम्मी जी जा रही, मम्मी जी जी उन्ना हो जा रही, जी जी उन्ना हो जा रही। सुनो एकता दीदी कह रही हलवाई हलवाई को मत बुलाओ, बंद करो उसे। एकता जी कह हलवाई ना बुलाओ, खाना मैं बना लूंगी और बर्तन प्रियंका दीदी धो देगी, बस ठीक है। मम्मी खाना परोस देंगी, आप खाना परोस देना, बैठे बैठे फायदा क्या था। क्या करी उन्नाव का टिकट करा दो। सुनो सुनो, अरे यार ये तो बहुत अच्छा बात है, लो शादी पकड़ो। दीदी ये बिजनेस आपके लिए अपने आप आ गया है। मोहल्ले में लोग पार्टी वगैरह करते हैं, कैटरिंग को ना बुला दोगे, आपको बुलाए एक ठेका जैसे मैं हूँ, 50 लोगों के हिसाब से, 100 लोगों के हिसाब से। अरे तो अपना पैसा भी तो लगाएंगे दीदी, 20,000 में राशन भी आप लेके आओगी। बचेगा कितना? 5,000 बचेगा कितना? 5,000 5,000 तो मेहनत नहीं है इसमें, आप हमारे औरिया के छोटे हलवाई को फेल कर दो। 50,000 में महीना कमा रही हो आप, और आप ठेका ले लो। सुनो आप ठेका ले लो, दो आदमी रख लो काम करने के लिए, सारा राशन लेके आए, उनको भी रुपए दे। एक पूरी बनाने वाली रख लो, पूरी बनाने वाली 500 रुपए में पूरी बना देगी। कोई भी हेलो जो हो पूरी बनाने वाली, मतलब इनका कहने का मतलब ये है तुम सिर्फ ठेका लो और काम अपने वो काम करने वाले रखो, काम करने वाले रख लो, तुम्हें काम नहीं करना है, तुम्हें पैसे देने से। जो मैं उस कैटरिंग वाले को बुला रहा हूँ वो आप कर लो काम, कौन करेगा? आप काम करवाओ, करवाओ काम, आप काम करवाओ। किससे? राजस्व मंगवाओ, राशन इनसे मंगवाओ, बर्तन धुलवाओ, निकल जाओ यहाँ से खाना। हम मम्मी से बनवाओ प्रसाद, हम जा रहे हैं और फैमिली बिजनेस बना लो। मैं आपके लिए
शादी सच में यार दीदी कह रही मैं आऊंगी अगले महीने डिलीवरी से दो दिन पहले हां मैं जा रही हूं नौकर से रोबरा और डिलीवरी होती भाग जाएगी बच्चे नहीं बर्थडे भी आऊंगी वो तो होटल में है ना वो होटल में अपना करके चली जाऊंगी अभी एक न्यूज़ आई पता क्या हुआ एक आदमी के 5 बिटिया हुई तो अब उसे डर लग रहा है छठी भी ना हो जाए तो उसने ये चेक करने की लड़का लड़की बीवी का पेट फाड़ के बच्चा हां वो मैंने देखा था न्यूज़ आई देखी थी हां नहीं मैंने देखी थी हंसी आना है बच गई नहीं हमारी बच गई बच्चा मर गया था पर वो लड़का था पता तब तब लड़का था वो लड़का था हां तब लड़का था अब अब उसका आदमी को मर गया थी जैसा हो गई उम्र क्या है उम्र क्या था मतलब उसको ये लगा पहले 6 लड़कियां हुई उसको है ना 5 है ना तो छठा जो बच्चा उसको लगा कि लड़की फिर सा ना हो जाए तो उसने कहा हॉस्पिटल जाना अच्छा उसने हंसिया तो खुद ही अपने पत्नी का पेट काट दिया तो लड़का और इस बार लड़का था लड़का मर गया कुछ भी हो लड़का मर गया फिर उसके बाद लड़की को हॉस्पिटल वगैरह लेके गए लड़की तो जिंदा रहे लड़की से अब लड़की अपने अपने बेटियों के साथ रह रही है और लड़के को उम्र कैद हो गई क्या मिल गया क्या मिल गया इसमें थोड़ी देर 2 महीने वेट कर लेता एक बिटिया और पाल लेता जब 5 पाल ली थी तो यार लालू यादव 10 हैं 9 हैं 10 9 हैं 10 बच्चे हैं 11वीं प्रेग्नेंट है नहीं 10 लड़कियां एक लड़का है लालू यादव अप्पू सिंह कुछ ये गलत है ये कुछ 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 कन्या को कहीं जाने की छुट्टी नहीं उनकी 9 बिटियां ही हैं अपने घर ही घर लो कहीं जाओ एक बार छुट्टी अब मेरी बात सुनो बंद कर दो तो इस ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं कैसा लगा हमारा ये कैटरिंग का काम लाइक करें कमेंट करें वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अब मेरी बात सुनो दीदी